हाय, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको जो है बच्चों की केयर जो है गर्मियों में कैसे करना चाहिए। स्पेशली अगर आपका छोटा बेबी है, उसकी पहली गर्मी है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। लाइक बच्चों को गर्मी में दाने हो जाते हैं, बच्चे डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, या बच्चे काफ़ी इरिटेबल अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, एंड सिर्फ छोटे बच्चों का नहीं है ये, जो है बड़े बच्चे या बड़े लोग या सभी लोगों के लिए वीडियो है, बट कुछ स्पेशल टिप्स जो बच्चों के लिए आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है हाइड्रेशन। जो बच्चों में किसी में भी गर्मी में जो सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है वो रहता है हाइड्रेशन का, कि पानी की कमी हो जाती है क्योंकि इतना पसीना आ रहा होता है या इतनी गर्मी है, तो रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू विंटर सीजन। तो लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ है, छोटा बच्चा है, गर्मी का मौसम है, तो उसको पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो आपको बच्चों को पानी नहीं देना है, आपको जो है फीड ज़्यादा कराना है। तो आप जैसे अगर 3-3, 4-4 घंटे पे किसी बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को फीड कराते, तो आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा फीड करा दो, एंड मदर्स को जो है थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी लेना है, जिससे कि मदर्स को जो है मिल्क अच्छे से आता रहे। एंड बच्चे को आपको 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी नहीं देना है। एंड बड़े बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ पानी हो गया या कुछ भी लिक्विड चीज़ें हो गई, ORS हो गया, नारियल पानी हो गया, या फल हो गए, क्योंकि स्पेशली फल में भी काफ़ी पानी रहता है, स्पेशली जैसे संतरे हो गए या तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब जो है आपको बच्चों को ज़रूर खिलाना है। एंड बड़े लोग भी हैं, जब बाहर जाते हैं तो ध्यान रखना है कि वो पानी पीते रहें, अदरवाइज़ हीट स्ट्रोक और ये सब होने के चांसेस रहते हैं। मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि हीट स्ट्रोक क्या होता है एंड गर्मियों में क्या सिम्टम्स होते हैं जो कि हीट स्ट्रोक के साइन है, क्योंकि आप देखते रहते हो कि गर्मियों में जो है इतने बच्चे बेहोश हो गए या ये बेहोश हो गया, तो उससे आपको क्या करना चाहिए, क्या साइंस होते हैं जिससे कि आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए। देन नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेरी रहती है कि गर्मियों में जब छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो AC यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो जो है अब जो गर्मियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, लाइक स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग और ये सब हो रहा है, तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। तो आप AC यूज़ कर सकते हो, कूलर यूज़ कर सकते हो रूम में, बस आपको जो है बच्चे को डायरेक्ट उसके सामने नहीं लेटाना है, एंड कूलर या AC जो है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। लाइक के टेम्परेचर आपने 16 कर दिया या 20 कर दिया वो नहीं करना है, आप जो है टेम्परेचर लगभग 26 से 28 के बीच में रखो, जो कि कम्फर्टेबल हो, एंड बेबी को जो है हल्के से पतले से कपड़े के से ढक दो अच्छे से, ठीक है। तो बेबीज़ के जो हैं हाथ पैर नॉर्मल टेम्परेचर के रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बेबी को ठंड लग रही है, आप बीच बीच में चेक करते रहो। अगर आपको लगता है कि बेबी ठंडा हो रहा है या बच्चे के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो आप उसको और कवर कर दो या टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो। एंड अगर आपको लगता है बच्चे को स्वेटिंग हो रही है या बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आप उसके जो है कपड़े थोड़े से हटा दो। स्पेशली अगर बेबीज़ को भी अनकंफर्टेबल होता है तो वो या तो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ऐसा उनको स्पेशली अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है तो आपको पता चल जाएगा, या आपको लगेगा बच्चे को पसीना आ रहा है, तो वैसा आप बच्चे के अकॉर्डिंगली आपको करना है, बट आप जो है AC यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो आता है कि आपको बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए, तो आप जो है गर्मियों में कॉटन की क्लॉथ ही यूज़ करें, थोड़ा सा हल्के से लूज जो है वो बेटर रहेगा, या कोई भी सॉफ्ट से कॉटन के क्लॉथ, हॉजरी की क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हो। आप वो जो रेयन या जो शिमरी टाइप जो आते हैं वो सब आपको अवॉइड करना है, एंड कंफर्टेबल से क्लॉथ्स यूज़ करने हैं, एंड डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, तो आप उस हिसाब से एक लेयर या डबल लेयर अपने बेबीज़ को पहना सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है खाना। तो इस टाइम जो हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं, डायरिया के केसेस आते हैं, तो क्योंकि डायरिया स्पेशली जो बाहर के खाने से जो है बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे बाहर जो है सुबह, लाइक सुबह खाना बना लिया है वो दोपहर तक चल रहा है या कभी रात तक भी चल रहा है, स्पेशली जो आलू टिक्की, पानी पूरी या ये सबसे जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है।
गर्मियों में स्पेशली कहीं अनहाइजेनिक प्लेस से तो बिल्कुल भी नहीं, या पानी जो है अनहाइजेनिक प्लेस से बिल्कुल भी नहीं, या ऐसी जगह से आप खा सकते हो जहाँ से आपको पता है कि हाँ ये प्रॉपर हाइजीन से या फ्रेश बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ तो मीस लोग आते ही नहीं है, ये कल का खाना आज दे रहा है, तो वैसी जगह आप बिल्कुल मत खाओ। एंड घर पर भी जो है, अगर आपने कुछ खाना सुबह बनाया था तो उसको रात को अगर बाहर ही रखा हुआ है तो वो खाना नहीं खाना है। आप फ्रिज में रख दिया था तो खा सकते हो। एंड नेक्स्ट जो रहता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह हमने सुबह काट के रख लिए, उसको शाम को खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। तो इमीडिएटली आपको फ्रूट्स जो है काफ़ी टाइम से कटे हुए नहीं होने चाहिए, अदरवाइज समर्स में स्पेशली उस पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, टाइफॉइड और ये सब बहुत होता है। देन नेक्स्ट आता है बेबी मसाज। तो बेबी मसाज का भी एक वीडियो है मेरा, आप डिटेल में देख सकते हो। समर मसाज में क्या, समर्स में जो है कौन सी मसाज करनी चाहिए, कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो वो सब उस डिटेल में है। तो आप जो है प्रेफर करो कि नहाने से 1 घंटे पहले यूज़ कर लो, एंड नारियल तेल आप यूज़ कर सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो चेक कर लेना। देन नेक्स्ट आता है कि आपको जो है, मैं समर्स में भी देखा हुआ है लोग बोलते हैं विटामिन डी दे रहे हैं छोटे बच्चों को, तो जब बहुत ज़्यादा पीक आवर्स हो जाते हैं, लाइक 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, स्पेशली 5 बजे तक, 6 बजे तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उस टाइम आप बच्चे को बाहर मत ले जाओ। सुबह आप ले जा सकते हो 7-8 बजे के लगभग, जब बहुत हल्की सी धूप होती है तो वो ठीक है, अदरवाइज शाम को आप 5-6 बजे के बाद लेके जाओ, क्योंकि उससे हीट रैश, बच्चों को दाने, डिहाइड्रेशन, ये सब होने का चांसेस रहता है। एंड दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, सडन टेम्परेचर चेंज, लाइक बाहर ले गए थे गर्मी में या धूप में लेकर गए थे या बाहर घूमने गए थे एंड इतनी गर्मी लग रही थी, अंदर आके जो है सीधे एसी में बैठ गए या बिल्कुल ठंडा पानी पी लिया, जो कि अच्छा नहीं होता है। सडनली टेम्परेचर चेंज, लाइक अगर आप बाहर से खेल के या गर्मी से आ रहे हो तो 10 मिनट पहले अंदर बैठ जाओ, उसके बाद पानी पियो, या फिर ठंडा पानी तो उस टाइम बिल्कुल नहीं पीना है, थोड़ी देर में आप पी सकते हो। एंड एसी जैसे अगर आप ऑन करते हो तो ऑब्वियसली 15 मिनट हो जाएगा रूम को ठंडा होने में, लेकिन अगर कई बार होता है कि अचानक से ठंड से गर्मी में या गर्मी से ठंड में चले जाते हैं, तो उससे जो है तबीयत थोड़ा सा ख़राब होने की चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि लोग, मैंने अभी भी देखा हुआ है कि लोग 15-15 दिन तक अपने छोटे बच्चों को नहलाते नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका बच्चा जब 1 हफ्ते का हो जाता है, आप उसको डेली, स्पेशली गर्मियों में डेली नहला सकते हो, या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे तो आपको ज़रूर नहलाना है, डेली आप उसको क्लीन कर दो, क्योंकि बहुत गर्मी होती है जिससे कि बच्चों को दाने और अनकंफर्टेबल रहता है, स्पेशली जब हम मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं। डेली नहलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट, और बच्चों के नाखून्स वगैरह आपको ट्रिम करके रखने हैं, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। देन नेक्स्ट आता है डायपर, जो कि गर्मियों में काफ़ी एक अनकंफर्टेबल हो जाता है बच्चों के लिए, तो डायपर रैश भी इसीलिए ज़्यादा होते हैं, स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, एंड बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट डे टाइम में जो है डायपर फ्री रखना है, डायपर नहीं यूज़ करें। एंड जब अगर आपको रात को यूज़ करना पड़ रहा है तो आप मिनिमम टाइम के लिए यूज़ करो, और डे टाइम में भी अगर आप कभी यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है डायपर फ्री टाइम ज़रूर दें। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि आपके बच्चे की गर्मी को थोड़ा सा इजी बना देगा, एंड बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, कम प्रॉब्लम्स होंगे। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।